अब बात करेंगे बृजभूषण शरण सिंह की, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सका है। 135 दिन से मेडलधारी पहलवान उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और अब किसान संगठन उनके समर्थन में पंचायत कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां मार्च निकाल रही हैं, कल कोलकाता में ममता बनर्जी मार्च पर उतरी, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह कहीं से बेचैन दिखे नहीं, उनके माथे पर चिंता की कोई लकीर नहीं दिखी, उल्टे वो ज्यादा जोशों खरोश से दिखते नजर आ रहे हैं। मेरा मानना है मेरे भाइयों, ये आरोप मेरे ऊपर बनता नहीं है, मेरे ऊपर शोभा नहीं देता है, लेकिन ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा है कि भगवान मुझको माध्यम बना करके कोई बड़ा काम लेना चाहते हैं। ये आरोप हम हाथ जोड़े खड़े हैं कि भाई इन बच्चियों को, इन बहनों को न्याय दे दीजिए, देश की बेटियों को न्याय दे दीजिए, उसके बाद भी हमें ही हिरासत में लिया जा रहा है, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र सही दिशा में जा रहा है, कि देश का दुर्भाग्य है जो एक आरोपी नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, लोकतंत्र भवन का उद्घाटन हो रहा है और एक आरोपी उसमें बैठा है, तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। एक सौ 135 दिन पहले जिस अखाड़े में पदकवीर पहलवान उतरे थे उसमें कौन कहां खड़ा है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। तस्वीर धुंधली दिख रही हो तो कुछ और वानगी देखिए। 135 दिन पहले पहलवानों ने जंतर मंतर से प्रदर्शन शुरू किया था, आज वहां सन्नाटा है, पहलवान जंतर मंतर से खदेड़े जा चुके हैं। 135 दिन पहले बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे थे, जांच अभी आधे रास्ते में ही है, खुद दिल्ली पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अभी 15 दिन और इंतजार करना होगा। 135 दिन बाद पहलवानों को इंसाफ के इंतजार में मेडल बहाने हरिद्वार जाना पड़ा। 135 दिन बाद दिल्ली पुलिस की जांच में ये तय नहीं हो पा रहा कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की स्थिति बन रही है या फिर सबूतों के अभाव में केस ही बंद करना पड़ सकता है। इस केस में SIT है, वह इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बहुत सारे पहलू हैं इस केस के जिसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इसके लिए कमेंट करना कि कहां तक पहुंची है बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। मैम हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, कब तक इस पूरे मामले की जांच है वो कंप्लीट हो जाएगी? जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं और उसमें क्या टाइम फ्रेम लगेगा ये कहना अभी पॉसिबल नहीं है और क्या एविडेंस है ये कहना भी उचित नहीं है, तो जैसे ही हमारी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होगी उसके बाद हम जो भी नेसेसरी लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। निगाहें दिल्ली पुलिस पर भी है, लेकिन इन सब के बीच एक बात तो बेहद साफ साफ दिख रहा है, वो है बृजभूषण शरण सिंह का आत्मविश्वास, जिसे सातवें आसमान पर माना जाए तो शायद गलत नहीं होगा। एक दिन पहले बाराबंकी में बृजभूषण सिंह का कॉन्फिडेंस देखने के काबिल था। मैंने आभा में एक लाइन पढ़ा था, एक लाइन, पूरी आभा नहीं जानता हूं लेकिन एक लाइन कभी कभी याद करता हूं, यक्कई मुंडल के जियारा पर चमकई 3 लाख तलवार, यक्कई मुंडल के जियारा पर चमकई 3 लाख तलवार, वाह। लेकिन जब एक बार घूमता हूं तो सारी तलवार नाम में बंद हो जाती है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप सही हैं या झूठे ये तय करना कानूनी तंत्र की जिम्मेदारी है, जिसमें पुलिस आती है, अदालत आती है। पहलवानों की इस लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ IPC की धारा 354, 354A, 354D के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले में अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। एक केस पॉस्को एक्ट में भी दर्ज किया गया है, इसमें दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल की जेल और अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसलिए बृजभूषण सिंह अब गरजते हुए कहते हैं कि सबूत मिले तो फांसी पर चढ़ा दो, तो इसकी वजह भी समझ में आती है। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर वचन न जाए, और मैंने उसी दिन कहा, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा
तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं पड़ेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह दिनकर की कविता पढ़ रहे हैं, शेरो शायरी कर रहे हैं और सार्वजनिक मंच से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो मर्यादा के दायरे में तो कतई नहीं आता। कब हुआ, कहां हुआ और किसके साथ हुआ? कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ? सवाल है कि यह हिम्मत ब्रजभूषण शरण सिंह में कहां से आ रही है? किस ताकत के दम पर ब्रजभूषण ये भूल रहे हैं कि आरोप लगाने वाली पदकवीर बेटियां हैं और वो खुद एक सांसद हैं। आज तक ब्यूरो।